नमस्ते दोस्तों, मैं हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने गोल्डन कलेक्शन चैनल में। तो दोस्तों, अगर आपका इस तरह के कुछ नोट्स है, अगर आप वो हमें देना चाहते हैं तो रिजनेबल प्राइस पे, तो आप हमें वो दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो, 1000 रुपीज़ नोट का फ़ोटो है। तो ये 1000 रुपीज़ का ओल्ड नोट है। तो दोस्तों, ये नोट जो है ये बना था 1 अप्रैल 1954 में। इस पे जो सिग्नेचर है वो बी रामा राव के है। तो सिग्नेचर आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगी, बी रामा राव के सिग्नेचर है। और बैक साइड में देख सकते हैं यहाँ पे तंजोर ये बीरादेश्वर टेंपल का यहाँ फोटो बना हुआ है। 1000 रुपये का पुराना नोट है, काफ़ी चौड़ा नोट होता था। अगर आपको इस तरह का नोट है तो आप हमें दे सकते हैं रिजनेबल प्राइस पे। आप मुझे, अगर आपके घर में दादाजी के पास या पापा मामा इस तरह के नोट्स पड़े हुए हैं तो आप हमें इसका फ़ोटो व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। अगर आपके पड़े तभी सेंड करना, और इन्हीं नोट्स का फ़ोटो सेंड करना। इसके अलावा आप सेंड करेंगे तो हम देख नहीं पाएंगे, तो मैसेज का नहीं रिप्लाई हो पाएगा। जो जो आपसे डिमांड कर रहे हैं उन्हीं नोटों का ही फ़ोटो भेजे। उसके बाद दोस्तों, ये भी 1000 रुपये का नोट है, और इस पर जो सिग्नेचर आई विंगर के है। उसके अलावा पीसी भट्टाचार्य के सिग्नेचर के भी नोट आते थे 1000 रुपये के। ये सेम बट सिग्नेचर पीसी भट्टाचार्य भी रहता था, आई विंगर का भी रहता है। तो अगर आपके इस तरह के नोट है फफड़ा वाले, देख लीजिए। अगर आपके दादाजी के पास किसी पर दादाजी का नोट्स पड़े हुए इस तरह के पुराने, तो आप हमें उनका फ़ोटो व्हाट्सएप पे भेजें। इसके अलावा जो हम आपसे बोल रहे उन्हीं का भेजिएगा। उसके अलावा अगर आप भेजेंगे तो हम देख नहीं पाएंगे। जो हम आपसे रिमांड करें उन्हीं का फ़ोटो भेजें। ये भी 1000 रुपये का नोट है। ये एनसी सेन गुप्ता का यहाँ सिग्नेचर आप देख सकते हैं, और ये नोट 1975 में बना था। तो अगर आपको ऐसा नोट है तो उसका भी आप हमें फ़ोटो व्हाट्सएप पे भेजें। तो आपने फ़ोटो देख ली है, अगर आप देखिए अपने घर में अगर आपको इस तरह के नोट मिलते हैं तो उसका हमें फ़ोटो भेज दीजिए। उसके बाद दोस्तों, ये 5000 रुपये का नोट आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ 5000, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया 5000 रुपीज़। पुराने टाइम में इस तरह के नोट चलते थे। तो बैक साइड में यहाँ फ़ोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर बी रामर होगा। दोस्तों, यहाँ पे जो फ़ोटो बना वो गेटवे ऑफ इंडिया का है, बॉम्बे का। तो आप देख सकते हैं इस तरह का फ़ोटो होता है बैक साइड में। तो अगर आपको इस तरह का भी नोट है तो वो भी हम आपसे ले लेंगे रिजनेबल प्राइस पे। बट नोट ओरिजिनल होना चाहिए। अगर फेक नोट है तो उसका फ़ोटो हमें मत भेजिएगा। अगर ओरिजिनल नोट पड़ा आपके घर में तो तभी आप उनका हमें फ़ोटो भेजिए। तो देख सकते बी रामरो 5000 रुपये। उसके बाद दोस्तों, ये 10000 रुपये का नोट है। तो यहाँ पे टू आप देख सकते हैं, टू टू विंडो बनी, टू वाटर मार्क्स यहाँ आते हैं लेफ्ट और राइट में। तो बैक साइड में ऐसा ही नोट दिखता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया 10000 रुपीज़, रिज़र्व बैंक का लोगो यहाँ पे। दोस्तों, ये भी नोट 1954 में ही बने थे। सिग्नेचर बी रामा राव देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह का 10000 रुपीज़ का नोट है तो आप भी हमें उनका फ़ोटो भेज दीजिए, हम आपसे रिजनेबल प्राइस पे आपसे ले लेंगे। बट नोट ओरिजिनल होना चाहिए और आपके पास ही होना चाहिए। या फिर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में नोट पड़ा है, आपने देखा है उनके कलेक्शन में है, तो आप उनसे भी ले सकते हैं, उनसे भी हमारी बात करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक गल्फ इशू के नोट्स है। तो इसका जो कलर होता है वो रेड ऑरेंज कलर होता है, और ये नोट 1959 में बने थे। और इस नोट का जो परफिक्स होता है वो जेड होता है। तो यहाँ परफिक्स देख सकते हैं, जेड होता है। तो जेड परफिक्स में जो नोट बने थे उसको हम गल्फ इशू बोलते हैं। तो इस तरह का आपका नोट है, आपकी पड़े हो आपके घर में, तो आप हमें उसका फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। अगर आप उसे हमें देना चाहते हैं आप हमें दे सकते हैं। और ये नोट 1957 में बने थे, और इनका जो इनसेट है वो बी होता है, और परफिक्स जो है जेड रहता है। इसको आप ज़्यादा कीजिए, जेड परफिक्स वाले रेड ऑरेंज कलर के जो नोट है उसे हम गल्फ इशू कहते हैं। अगर आपको इस तरह के नोट है तो आप उनका हमें फ़ोटो भेजें। सिर्फ हमें यही नोट चाहिए जिनका आप हमें जिनको आप जिन जो हम आपको फ़ोटो दिखा रहे हैं, उसके अलावा मत भेजिएगा। अगर भेजेंगे तो हम नहीं देखेंगे। उसके बाद दोस्तों, ये भी 5 रुपये का नोट है। इस पे सिग्नेचर आई विंगर का आप देख सकते हैं। इस नोट का जो कलर है वो ऑरेंज ब्लू एंड मल्टी कलर नोट है, और ये भी 11 मई 1959 में नोट बने थे। और इसका जो परफिक्स है वो जेड है। तो अगर आपको इस तरह का भी नोट है, ऑरेंज कलर का फफड़ा नोट है,
ये गल्फ इशू का, तो उसका फ़ोटो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। दोस्तों हम आपसे जो ये नोट जो फ़ोटो दिखा रहे हैं वीडियो में, हमें सिर्फ वही नोट चाहिए, इसके अलावा नोट नहीं चाहिए। बाकी नोट हमारे कलेक्शन में है, तो हमें इस नोट की ज़रूरत है अभी मेरे को, तो इसी का फ़ोटो मुझे आप व्हाट्सएप पे भेजिए। उसके बाद दोस्तों 10 रुपये का नोट है गल्फ इशू का, तो आप देख सकते हैं सिग्नेचर HVR आईविंगर है, ये इनसेट है, और ये भी नोट 11 मई 1959 में रिलीज़ हुआ था, और सिर्फ बॉम्बे में ही ये नोट रिलीज़ हुए थे। और इन नोटों का जो कलर है वो रोज़ क्रीमाइन ब्लू एंड मल्टी कलर नोट है, तो इस तरह का भी नोट है आपके पास अगर आपके कलेक्शन में दादाजी का परदादा जी के पास या पापा मादी नोट पड़ा है, तो अगर आप वो नोट हमें देना चाहते हैं तो आप हमें उनका फ़ोटो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। उस नोट का जो प्राइस है रिजनेबल होना चाहिए, अगर आप रेट ज़्यादा मांगेंगे तो आप तो हम आपसे नहीं लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये 100 रुपये का नोट है गल्फ इशू का, और सिग्नेचर HVR आईविंगर है, नोट ग्रीन कलर में ब्लू मल्टी कलर रंग आप देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, और इसका भी जो परफिक्स है जेड है, तो नोट ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं बैक साइड में एलिफेंट का फ़ोटो बना हुआ है। तो अगर आपके ये नोट ओरिजिनल में है आपके पास, तो उसका फ़ोटो मैं व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। उसके बाद दोस्तों हज नोट भी होते हैं, ये हज नोट कहते हैं, हज पिलग्रिम नोट्स, जो यहाँ पे इंडिया से जो लोग हज के लिए जाते थे, तो ये नोट उनके पास ज़्यादातर होते थे, और वहाँ पे हज के लिए यही नोट चलते थे। तो दोस्तों 10 रुपये का हज नोट आप देख सकते हैं, और इस पे जो सिग्नेचर है आई विंगर के है, HVR आई विंगर के, ये इनसेट है नोट यहाँ पे, और जो परफिक्स आपको मैंने बताया, परफिक्स में HA होएगा, और ये नोट 1959 में नोट रिलीज़ हुए थे, और नोट का जो कलर है ब्लू है, वायलेंट है एंड मल्टी कलर है। परफिक्स ध्यान में रखें, HA परफिक्स होएगा। अगर आपका ये वाला नोट है HA परफिक्स वाला, ये इंसर्ट वाला ओरिजिनल नोट है, तो उसका फ़ोटो हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। तो हमें कलेक्शन करना है नोटों का, अगर आपका है तो आप हमें भेज दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये 100 रुपीज़ का हज नोट है, तो आप देख सकते हैं ये नोट कैसा दिखता है। इस नोट का जो कलर है वो रोज़ क्रीमाइन है, येलो मल्टी कलर है, और ये नोट भी 1959 में इशू हुए थे, और इनमें जो परफिक्स होगा या नंबर में परफिक्स जो होता है वो HA होता है, HA परफिक्स होता है, आगे सीरियल नंबर होता है, पर नोट का कलर देखिए रोज़ में है, रोज़ कलर है। तो इस तरह का अगर आपको नोट है आपके दादाजी के पास या पापा मम्मा के पास या फ्रेंड रिलेटिव्स में, तो उसका नोट का फ़ोटो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। अगर रिजनेबल प्राइस होगा तो हम आपसे वो नोट ले लेंगे। तो दोस्तों आपको हमारी आज जानकारी कैसे लगी है, मुझे वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने एक वेबसाइट भी बनाया अपना goldencollection.co.in के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जब लिंक को क्लिक करें हमारी वेबसाइट पहुंच जाएगी, तो वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स नोट की जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप हमेशा खुश रहें और कलेक्शन करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।